So hello guys, welcome back to my another video. In this video I'll tell you about the how to draw front face. So front face draw करने के लिए हम कुछ techniques use करते हैं. So वो सारी techniques आज आपको मैं अपने इस video में बताऊंगा और कैसे वो front face draw किया जाता है, ये सारी चीजें मैं अपने इस video में cover करने वाला हूँ. So सबसे पहले आपको क्या करना है, एक circle draw करना है आपके sheet की upper वाली side पे. आपको एक यहाँ पे circle draw करना है ऐसे. अब आपको क्या करना है, इस सर्कल को वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली हाफ डिवाइड करना है. ये मैंने वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इसे हाफ डिवाइड कर लिया है. इसके बाद क्या करना है, आपको इस सर्कल का हाफ पोर्शन इस एज से नीचे लेना है यहां तक. सो इस लाइन को हम आगे फॉरवर्ड करेंगे कुछ ऐसे, ठीक है. इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने इस फेस की साइड कवर करेंगे. तो यहाँ पे चीक्स आ जाएंगे दोनों साइड और यहाँ से ये जॉ लाइन हो जाएगी हमारे फ्रंट फेस की. अभी आपको सारा मैं रफ ड्राइंग में बता रहा हूँ ये चीज. सो हमारे पास ये जो लाइन आ गई है, ये लाइन हमारी चिन की लाइन हो गई है, राइट. सो दिस इज द लाइन ऑफ नोज एंड दिस इज द लाइन ऑफ आईज. अब इसके बाद क्या करना है, आपको इस लोअर पोर्शन के आपने थ्री पार्ट्स डिवाइड कर लेने हैं. मैं एक हाफ ले लेता हूं यहां से, तो आपकी वो क्या चीज होगी, लाइन ऑफ लिप्स आ जाएगी आपके पास. सेम लाइक वन फिंगर डाउन आप एक लाइन बनाओगे जो कि थोड़ी सी कर्व होगी, दैट इज द एग्जैक्ट लाइन ऑफ योर आईज. अब हमारी यहां पे आईज हो गया और इस पार्ट का भी मैं एक हाफ डिवाइड कर लूंगा एंड दैट इज द लाइन फॉर योर हेयर पार्ट. अब यहां पे हमारे हेयर पार्ट आ जाएंगे हेयर. सो नेक्स्ट स्टेप इसमें हमारा क्या चीज़ है कि अब हम इसके फीचर्स बनाएंगे. फीचर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको इस एरिया को इक्वली फाइव पार्ट्स में डिवाइड करना है. मींस आईज बनाने के लिए आप इस एरिया को फाइव इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. मींस एक दो कुछ ऐसे. ये मेरे वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव इक्वल पार्ट्स हो गए. अब इक्वल पार्ट से हम टू वर्टिकल लाइंस नीचे ले आएंगे, वो हमें नोज की विड्थ आ जाएगी, सेम विड्थ हमारी आईज की भी होती है. तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आईज ड्रॉ करनी है कुछ ऐसे. देखिए दोनों साइड इक्वल आईज. अब इसकी अगर आप हाइट एग्जैक्ट लेना चाहते हैं तो आप इसके इक्विवेलेंट एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो आपकी दोनों आईज की हाइट सेम हो जाएगी ये चीज. इसके ऊपर आप आईज की अपर लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों साइड ऐसे. And exact in the center, you guys are going to draw one more than half circle for the eyeball. ये हमारा more than half circle हो जाएगा. आपको complete circle नहीं draw करना है. अब इसके बाद बारी आती है हमारे eyebrows की. Eyebrow और eye के बीच में कितना difference होता है, आप अपनी एक index finger use करेंगे और उसे इस एरिया पे रखेंगे और एक मार्क ले लेंगे यहाँ पे. सो इस एरिया पे हम अपना आईब्रो ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसे और इसे थोड़ा वॉल्यूम दे देंगे और ये डबल हो जाएगा. उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम शेड कर देंगे ऐसे, तो हमारे आईब्रो और आईज में थोड़ा इतना सा डिफरेंस होता है. सो दोनों साइड सिमिलरली हम इस लाइन के ऊपर हम अपनी आईब्रो ड्रॉ करेंगे. आईब्रो में क्या चीज होती है कि सबके आईब्रो सेम नहीं होते, सबके आईब्रो डिफरेंट होते हैं. गर्ल्स और बॉयज के आईब्रो में
बहुत सा डिफरेंस होता है। अब इसके बाद बारी आती है हमारे नोज़ की। नोज़ हमारा यहाँ तक आ जाएगा, इस लाइन पे हमारा नोज़ आएगा, इस लाइन से थोड़ा सा लिफ्ट करेंगे अपवर्ड हम, यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे आप, और इस साइड भी एक स्मॉल सर्कल, दूसरी साइड भी एक स्मॉल सर्कल। सो जहाँ पे आपके ये सर्कल ज्वाइन हो रहे हैं वहाँ पर आपके नोस्टल का पॉइंट आता है, और आप यहाँ से एक कर्व ड्रॉ कर देंगे दोनों साइड इस ढंग से, और यहाँ से ये नोज लाइन आप कुछ ऐसे ड्रॉ कर देंगे। आई होप आप सबको अच्छी तरह से विजिबल हो रहा होगा और अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा कि कैसे हम नोज ड्रॉ कर रहे हैं, कैसे अदर फीचर्स हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये आपका नोज आ गया, ये हमारी एक इमेजिनरी लाइन होती है नोज के लिए, जो कि हम शेडिंग में बाद में यूज करते हैं। इसके बाद बारी आती है हमारी लिप्स पे। लिप्स हमारे इक्वल टू जॉ लाइन होते हैं। अब यहां से हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बना लेंगे सो दैट कि हमारे पास एक वी शेप यहाँ पे आ जाए, और यहाँ पे एक अपर लाइन लेंगे और सेम लाइक हम एक लोअर लाइन लेंगे लिप्स के लिए। सो गाइज, ये सारी की सारी लाइंस आपकी गाइडलाइंस हैं। मैंने ड्रॉ डार्क इसलिए किए कि सो दैट कि आपको समझ आ जाए, लेकिन जब आप इसे ड्रॉ करेंगे तो ये सारी लाइंस बहुत ज़्यादा लाइट होंगी, सो दैट कि आप इसे इजीली इरेज कर सकें। अब आपको क्या करना है, इस पोर्शन पे एक स्लाइटली वी शेप ड्रॉ कर लेना है, सेम यहाँ पे सेंटर लाइन पे भी आपको ड्रॉ करना है। अब होता क्या चीज़ है कि लिप्स की विड्थ कितनी होती है, आप आईज के बिल्कुल सेंटर से एक लाइन नीचे लेकर आएंगे और दूसरी साइड से भी नीचे लेकर आएंगे। सो यहाँ तक आपके टू पॉइंट्स आ जाते हैं जहाँ तक हमारे लिप्स की विड्थ होती है। अब यहाँ से आप एक लाइन अपवर्ड ऐसे ले लेंगे और सेम सेकेंड साइड ऑल्सो आप कुछ ऐसे। सो गाइस, लिप्स में थोड़ा डिफरेंस होता है कि अपर लिप आपका थोड़ा थिन होता है और लोअर लिप थोड़ा सा आपका थिक होता है। सो आप यहाँ से इसे थोड़ा सा राउंड देंगे और यहाँ पे इस कॉर्नर पे मिला देंगे। सो आपके पास ये लिप्स ड्रॉ हो जाएंगे। सो गाइस, इसके बाद हम ड्रॉ करते हैं हमारा हेयर पार्ट। हमारे हेयर कहाँ आते हैं, इस अपर राउंड लाइन और इस लाइन के बीच हम हेयर पार्ट ड्रॉ करेंगे। एज आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ बॉय फेस, तो इसके लिए क्या, बॉयज की ये लाइन थोड़ी प्रोमिनेंट होती है, सो इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा एक कर्व दे देंगे। आप कोई भी स्टाइल यूज कर सकते हैं हेयर स्टाइल के लिए, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा हेयर स्टाइल बनाना चाहते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा मैं हेयर ऊपर लिफ्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा ट्रेंडी हेयर स्टाइल बना रहा हूँ जो आजकल बहुत ही ट्रेंडी है, कि साइड से थोड़े कम हेयर होते हैं और साइड से थोड़े कम हेयर के साथ और ऊपर ज्यादा हेयर्स होते हैं हमारे पास। सो आप ये चीज यहां तक ले आएंगे। सो गाइस, अब बारी आती है हमारी ईयर्स की। ईयर्स की विड्थ कितनी होती है, कितनी लेंथ होती है हमारी ईयर, आपके ईयर लाइन से लेके आई लाइन से लेके नोज लाइन तक होते हैं। सो आपको यहाँ से ईयर ड्रॉ करना, थोड़ा सा बाहर लेके जाना है क्योंकि आपका ये फ्रंट फेस है तो ईयर इतने ब्रॉड नहीं विजिबल होंगे, और आप यहाँ से इसको कुछ ऐसे मैच कर देंगे और यहाँ से इस लाइन को थोड़ा सा डबल करके ये चीज़ कर देंगे। सेम राइट साइड ऑल्सो आप यही चीज़ रिपीट करेंगे। सो गाइस, आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये एरिया हर एक पर्सन पे वेरी करता है। किसी का फेस चबी फेस होते हैं, किसी की जॉ लाइन बहुत प्रॉपर अच्छे ढंग से होते हैं, किसी के राउंड फेस होता है। सो मींस कि ये एरिया अकॉर्डिंग टू पर्सन चेंजेबल होता है, तो आप अकॉर्डिंग टू पर्सन ये वाला शेप चेंज कर सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा राउंड बना देता हूं
और यहाँ से ये चीज ऐसे हो जाएगी। सो आप देख सकते हैं कि फ्रंट फेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अंदर आप एक ब्लैक डॉट लगा देंगे और उसके बाद थोड़ा सा शेडिंग कर देंगे आई के लिए। आईज, नोज और लिप्स के ऊपर गाइज मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, आप मेरे चैनल पर जाकर कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं कि कैसे डिटेल के साथ मैंने आईज, नोज और लिप्स को एक्सप्लेन किया है। सो इस ढंग से आप अपना ये पोर्ट्रेट फ्रंट फेस ड्रॉ कर सकते हैं। अब बारी आती है हमारे नेक की। नेक पार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, जहाँ से हमारी आईज ख़त्म होती हैं उसके एग्जैक्ट थोड़ा सा आगे से हमारा नेक पोर्शन स्टार्ट होता है। मीन्स कि आपकी जहाँ पे जॉ लाइन होती है, ठीक जॉ लाइन के यहाँ पे आपका नेक स्टार्ट हो जाता है। सो आप ये नेक बनाएंगे और यहाँ से थोड़ा सा स्लाइटली बाहर ले जाएंगे जो कि कॉलर हो जाएंगे। सो गाइस, इसके बाद आप ये सारी की सारी गाइडलाइंस इरेज कर सकते हैं, उसके बाद आपका एक कंप्लीट पोर्ट्रेट बन जाएगा। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि मैंने सारी की सारी गाइडलाइन मोस्ट ओवर इरेज कर दी हैं। इरेज करने के बाद आपका फ्रंट फेस कुछ इस ढंग से विजिबल होगा। ये आपकी चीक बोन्स हैं जो आपकी शो कर सकते हैं आप। यहाँ पे रैंडम शेडिंग कर रहा हूँ मैं हेयर पार्ट के लिए, सो दैट कि हेयर थोड़े से विजिबल हो जाएं अच्छे से। सो ये एक क्विक स्केच है जो आप आसानी से बना सकते हैं। आपको जो मैंने मेथड बताया है, हर बार आपको ज़रूरी नहीं है कि ये मेथड आप हर बार यूज़ करें, बट लेकिन जब आप एक दो या दस बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब आपको हर एक चीज़ के नॉलेज हो जाएगी कि कहाँ पे कौन सी आईज कैसे ड्रॉ करनी है। आप बार बार इस मेथड को नहीं यूज़ करेंगे, पर ये वीडियो बिगनर्स के लिए है, बहुत ही हेल्पफुल है, सो दैट कि वो सीख सकें और कैसे नोज़ बनती है, कहाँ पे आईज बनती है, कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, क्या हाइट होती है ईयर्स की, कितनी विड्थ होती है लिप्स की, ये सारी चीज़ें आप सबको नॉलेज में होनी चाहिए। सो दैट्स वाई मैंने आपके लिए ये इजी एक वीडियो बनाया। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। सो थैंक यू सो मच गाइज़।